गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं यहाँ आने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ से मेयर का इलेक्शन लड़ रही हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है दोस्तों। उम्मीद है कि हम सब मिलकर कोलुदाग में एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। नाराजगी तुम पर अच्छी नहीं लगती सुहान। तुम्हारे चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। नाराजगी सूट नहीं करती तुम पर। देखो रेसा, तुमने कोई तमाशा किया तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। सब मरेंगे। तासिन साहब को जितना जीना था जी चुके। सुनो मिसेस मेहरीबान, की स्पीच खत्म होते ही उस आदमी को यहां से बाहर निकालो और ये ऑर्डर उन्हीं का है, समझ गए ना? सुहान, क्या कह रहा था वो तुमसे? तुम्हारी उदासी की वजह वो तो नहीं है ना? रिजा ने कुछ नहीं किया। तो तुम उदास क्यों हो? पापा की वजह से। उन्होंने क्या किया? क्या हम यहां से चले सीसा? ठीक है, चलो। अब तो मैं बहुत शांत हो गया हूँ। इससे पहले मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सब तो ठीक है, पर उसने जो किया उसके बाद उसे छोड़ तो नहीं सकते। मुझसे धोखा करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। माफ नहीं करूंगा मैं उसे, और ये बात तो मैं उसके मुंह पर भी कह चुका हूँ। मेरे ख्याल से आप उससे बात मत करिए, सब अपने वकील पे छोड़ दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सेलेन, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तुम हो कौन आखिर? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा इंसान के साथ घूमते हुए? चाहिए, ये क्या बदतमीजी है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये औरत इतनी देर से यहाँ हमें अलग करने की कोशिश कर रही है और तुम सुन रहे हो? वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, वरना पता नहीं ये और कितने झूठ बोलती। देखिए मैम, आप जो कुछ भी समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, हम तो सुबह की बात पे डिस्कस कर रहे थे। सेलेन देखो, नाराज मत होना, ये बस एक गलत फहमी है। इसकी जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। तुम इसके सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हो? इसे जाने को बोलो वरना मैं इसे मार डालूंगी। हो, अपना मुंह बंद रखो चाहिए वरना। सॉरी सेलेन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहिए जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कोरहान। आखिर तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम भी बिल्कुल अपने पापा के जैसे ही हो। कोरहान कोरलुदाग, बहुत खूब। कहाँ जाना चाहती हो तुम? निशान तसी वाले घर पे। मॉम की बहुत याद आ रही है। ठीक है। देखिए सर, यहाँ तमाशा मत करिए, आप आगे नहीं जा सकते। आप इनवाइटेड नहीं है, शराफत से निकल जाइए। बस बंद करो, पता है मैं कौन हूं? मुझे रोकने आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दरअसल यहां पर आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपको हमारे प्यारे कोरलुदाग के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे।
तासिन साहब तासिन साहब जो यहां मौजूद हैं, दरअसल ये मेरे जीजा हैं और मेरी बहन जो अब अपने गुनाहों का हिसाब चुका रही है, जिसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजारे। खैर दोस्तों, असली खबर आप लोगों के लिए यह है कि ये होटल जिसमें इस वक्त आप सब मौजूद हैं, ये इन्होंने मेरे नाम कर दिया है। पेपर्स का काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो हो सकता है कि आप में से बहुतों को इसकी जानकारी ना हो। इस होटल का मालिक होने के नाते मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोग खुश रहें। मेरे होटल में हमेशा आप सबका स्वागत है। हाँ, एक और बात, तुम दोनों यू आर फायर्ड। चलो यार, अब कोई अच्छा म्यूजिक बजाओ, मैं थक गया इतनी बड़ी स्पीच देके। ये मैं क्या सुन रही हूं तासिन? ये सच है या ये आदमी पागल हो गया है? वैसे काफी मुश्किल फैसला रहा होगा ये तुम्हारे लिए तासिन, और जहां तक मुझे पता है तुम बेवजह किसी को कोई चीज नहीं देते। मेहरबान। हाँ बोलो। मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और हम कल की हेडलाइंस बन जाएंगे। और कुछ? क्या कह रहा था वो आदमी? आपने सच में होटल उसके नाम कर दिया? तुमसे क्या, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? सब जानते हैं तुमने अपनी कंपनी कैसे खड़ी की है। वो अलग बात थी, ये अलग बात है। मैंने अपना हिस्सा लिया, क्या ये रिजा का हिस्सा था? हिस्सा तो था उसका, क्योंकि ये मेरी बीवी की ख्वाहिश थी। अदालत ने अपने भाई का 30 सालों का कर्ज चुकाया है। सब मरेंगे, उसका ये कहना मुझे हर्ट करने के लिए काफी था। अचानक जिससे आपने सोचा तक नहीं था, वो इंसान कुछ ऐसा कह दे जो आप सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझ ही नहीं पाई कि उसकी बात पे रिएक्ट कैसे करूं। अपनी मॉम को मैं खो चुकी हूं, बहुत छोटी थी मैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भूल नहीं सकी। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। मेरे पापा मर रहे हैं ऐसी तासिन कोलुदाग इज डाइंग। उन्हें एक रेयर बीमारी है, अजीब नाम है उस बीमारी का, मैं तो बोल भी नहीं पाती हूं। क्या उन्हें पता है? डॉक्टर ने ये मुझ पे छोड़ा है। उन्होंने डायग्नोस कर लिया है, पर कंफर्म होने के लिए एक और टेस्ट करना है, जिसके रिपोर्ट्स अभी अमेरिका से आने बाकी हैं। रिपोर्ट्स आने तक मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती। इलाज तो हो सकता है ना? नहीं, नहीं हो सकता। डॉक्टर भी नहीं जानते कि उनकी बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। शायद उनके पास बहुत कम वक्त है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। अजीब बात है कि मैं ये तुम्हें बता रही हूं,
जिसे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है। शायद कोई हो जो उनसे मुझसे भी ज्यादा नफरत करता है सुहान। देखो, जब मेरी मॉम बीमार थी तब मुझे पता था। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर फिर भी मैं हमेशा यही सोचता रहा कि एक दिन वो ठीक हो जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ऐसा क्या कहूं जिससे तुम्हें तसल्ली मिले और तुम रिलैक्स कर सको। और तुम खुद को परेशान मत करो, क्योंकि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, है कि नहीं? तो प्लीज संभालो खुद को, क्योंकि वही सबसे जरूरी है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूं, पर तुम्हें समझाने का यही तरीका ठीक लगा मुझे। नहीं सीजा, नहीं, मैं समझती हूं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जानती हो हमें क्या करना चाहिए? हमें जिंदगी और मौत को अलग रखना चाहिए, ताकि जब मौत आए तब उसे अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना हो। हमें प्रे करना चाहिए कि अचानक कुछ भी ना हो, और ऐसा ना हो कि मौत वक्त से पहले हमारे सामने आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि कोई वक्त से पहले हमारी जान ले ले। दर्द होगा ही। वो सब छोड़ो, तुम तो ठीक हो ना? ठीक तो होना ही पड़ेगा, हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, काफी देर हो चुकी है, मुझे अब यहां से निकलना चाहिए। पापा परेशान हो रहे होंगे। चलो ठीक है, फिर मैं जरा मुंह धो लेता हूँ, बस एक मिनट देना मुझे। मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। थैंक यू सीजा। किस लिए? एक रात के लिए ही सही, पर तुम पापा से दुश्मनी भूल गए। तासिन कोलोदाग को तुमने पहली बार सुहान के पापा की नजर से देखा है। मैंने बस कोशिश की थी,
जानती हूँ। थैंक यू सो मच। अदालत, तुम ठीक तो हो? सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? फिर तुमने अचानक मुझे यहां क्यों बुलाया? कल यहां रिजा आया था। वो घटिया इंसान यहां भी पहुंच गया। आखिर वो हमसे चाहता क्या है? अगर वो फिर से आए तो उसे मिलने से मना कर देना। उसने कहा कि वो आपके बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात जानता है, और अगर उसने मुंह खोला तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये सच है? बेकार की बातें मत करो अदालत। रजा मेरे बारे में आखिर क्या जान सकता है? तो फिर आपने होटल उसके नाम क्यों किया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे भुलाने में गुजार दी। मिस्टर दासन, आप तो जानते हैं उसने मुझे कितने जख्म दिए हैं। उसे कुछ पैसे देकर कोलोदाग से निकाल देते, ये सब करना जरूरी था क्या? अदालत, कुछ है जो तुम नहीं जानती। और मैं जानना भी नहीं चाहती। प्लीज यहां से चले जाइए, फिर कभी मत आइएगा, खत भी मत भेजिएगा, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं अब थक चुकी हूं, हार मानती हूं मैं। क्या तुम जानते हो कि अगर पापा बीमार ना होते तो मैं भी चली जाती। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस हो। सीरियस थी, अगले महीने जाने वाली थी। कहां पर? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है सीसा? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है? क्योंकि रुकना मुश्किल है, जाने से ज्यादा रुकना मुश्किल है। वो क्यों? मेरी वजह से क्या? मेरी तरफ देखो सुहान, देखो अब तुम्हें मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब हमारे बीच कुछ बचा तो है नहीं। हमारे बच्चे के साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है। अब जाओ, पापा वेट कर रहे होंगे। तुम मुझसे नफरत करते हो ना सीसा? काश कर पाता।